गांधी शांति पुरस्कार 2015 दिया जा रहा है विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को। इसका संचालन स्वामी विवेकानंद तथा गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है। देश भर में इसके 800 से अधिक केंद्र हैं। विवेकानंद केंद्र के विद्यालय जनजाति इलाकों में सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करते हैं। विवेकानंद केंद्र की शिक्षा ग्रामीण विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास में अथक योगदान रहा। इस केंद्र के द्वारा हरित तकनीक, आहार ही औषधि तथा सुरभि स्कीम जैसे अभिनव योगदान भी सराहनीय है। गांधी शांति पुरस्कार प्रदान कर विवेकानंद केंद्र के इन्हीं अथक योगदान को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री पे परमेश्वरन, प्रेसिडेंट विवेकानंद केंद्र। गांधी शांति पुरस्कार 2016 दिया जा रहा है संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन। बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं और अक्षय पात्र फाउंडेशन का मकसद है कि भारत में कोई भी बच्चा भूख के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़े। इसका लक्ष्य सरकारी स्कूलों में उन्हें ताज़ा व पौष्टिक मिड डे मील उपलब्ध कराते हुए उत्तम शिक्षा का अनुसरण करते हुए उनके समग्र उत्थान में सहायता प्रदान करना है। अक्षय पात्र द्वारा अधिकाधिक बच्चों की सेवा करने तथा पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से उनके सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन में योगदान का प्रयास किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार प्रदान कर देश भर के लाखों बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने में अक्षय पात्र फाउंडेशन के योगदान को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मधु पंडित दासा, चेयरमैन अक्षय पात्र फाउंडेशन। सोलह के लिए ही ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है सुलभ इंटरनेशनल को। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन की स्थापना सर पर मैला उठाने वाले कर्मियों के मानवीय अधिकारों तथा उनकी गरिमा को स्थापित करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने तथा खुले में शौच को रोकने के उद्देश्य से की गई थी, जो गांधी जी की स्वच्छता की सोच को ही बल देता है। इससे महिलाओं की सुरक्षा तथा स्वाभिमान को भी बल मिला। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने दो पिट वाले पोर फ्लश इकोलॉजिकल कंपोस्ट टॉयलेट का निर्माण करके इसे सुलभ शौचालय का नाम दिया। गांधी शांति पुरस्कार प्रदान कर भारत में स्वच्छता की स्थिति को और मजबूत करने के लिए तथा मैला ढोने वालों के उद्धार में सुलभ इंटरनेशनल के योगदान को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, फाउंडर सुलभ इंटरनेशनल।
गांधी शांति पुरस्कार 2017 दिया जा रहा है एकल अभियान ट्रस्ट को। इसकी कार्य प्रणाली गांधी जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना पर आधारित है। ट्रस्ट के द्वारा ग्राम स्वराज के लक्ष्य साक्षरता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण उद्यमशीलता, सांस्कृतिक मूल्यों और सशक्तिकरण की प्राप्ति के लिए 5 आयामी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। देश के दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण तथा जनजातीय बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता जगाने, प्राकृतिक कृषि तथा कौशल के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्त्री तथा सामाजिक समानता के मुद्दों पर जागरूक बनाने तथा गांधीवादी सिद्धांतों को साकार बनाने में बड़ी संख्या में गाँवों में एकल अभियान ट्रस्ट के बहुविध योगदान को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मांगीलाल जैन, ट्रस्टी एकल अभियान ट्रस्ट। Gandhi Peace Prize for the year 2018 is being given to Mr. Yohei Sasakawa, Japan. Mr. Yohei Sasakawa is a Japanese philanthropist who has been working towards the eradication of leprosy for 40 years. He inherited this mission from his father and refers to it as his life's work. The Gandhi Peace Prize recognizes the contribution of Mr. Yohei Sasakawa to the work of leprosy eradication in India and across the world through his tireless advocacy to promote greater awareness and understanding of leprosy and for speaking out against the stigma and discrimination. Mr. Yohei Sasakawa.